हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा वेक्टर में काफ़ी कुछ अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ पोर्शन अभी हमारा बचा हुआ भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भरपूर प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। हालांकि मैंने बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को करवा भी दी है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें किसी भी चैप्टर से, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेटा आज DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है हमारी वेक्टर बेस्ड। अब इस DPP से जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है बेटा, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है उसकी बात मैं नहीं करूंगा अभी, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है उसके ऊपर हम लोगों को बनानी है प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो यहां से मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा बेटा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराऊंगा, फिर ये DPP मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसके जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद अपने आप अपने हाथ से सॉल्व करें, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस बने। ये DPP हमारी बहुत शानदार DPP है, और आपके नीट और JEE के एग्जाम के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देगी, ठीक है बेटा। चलिए तो हम लोग आते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आया हमारे पास में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इसमें आप लोगों को कहीं कहीं ना बेटा फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जो आप लोगों को अभी नहीं पता है, तो फॉर्मूले मैं आपके सामने लिखूंगा। इसे बोलते हैं ओमेगा, और यह है हमारे पास में पोजीशन वेक्टर। तो बेटा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो ये है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। लो स्टूडेंट, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, और मेरे हिसाब से फॉर्मूला लिखने के बाद आधे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। अब इसके अंदर इसमें आपको आर और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेटा, आर और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को यहां फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। वी वेक्टर इज इक्वल टू, लो भैया ये हमने बनाया डिटरमिनेंट, यहां है आई कैप, यहां है जे कैप, और यहां है के कैप, ठीक है। चलिए पहले है आर फिर है ओमेगा, तो पहले आपको आर की वैल्यूज को यहां रखना पड़ेगा, फिर आप ओमेगा की वैल्यूज को रखेंगे। आर की वैल्यू है हमारे पास में 5 माइनस के 6 और 6, और ओमेगा की वैल्यू है बेटा आपके पास में 3 माइनस 4 और यहां है 1, एंड डिटरमिनेंट क्लोज्ड। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। क्रॉस निकालने का तरीका आप जानते हैं, बाय डिटरमिनेंट मेथड, आई जे के मैंने लगाया, वैल्यूज को यहां रखा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले उठाया बेटा हमने आई कैप, ठीक है। अब आपको पता है, कम से कम मैं 20 बार इस तरीके की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा चुका हूं, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद में ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो ये आएगा -6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा +24, क्योंकि माइनस माइनस हो जाना है प्लस। उसके बाद जे को हमें लेना है बेटा माइनस के साथ। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये आ गया है 5, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये आ गया है 18, ठीक है बेटा। देखो 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट। फाइनली हमारे पास में यहाँ आएगा भैया के कैप। अब हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, ज़रा देखो के कैप के साथ में हम क्या लिखने वाले हैं। के कैप के साथ में हम लिखेंगे फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -20, 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे -18, और एक माइनस बीच में आता है -20, आ जाएगा +18। तो जब हमने सॉल्व किया तो आंसर बना हमारे पास में 18 आई कैप, ठीक है बेटा। यहाँ से हमारे पास में बना +13 जे कैप, और यहाँ हमारे पास में बना -2 के कैप। सो करेक्ट आंसर जो हमारे पास में आया है स्टूडेंट वो ये है, 18 आई कैप +13 जे कैप, और यहाँ है हमारे पास में
माइनस के टू के कैप। हम एक काम कर सकते हैं, हम माइनस को अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो माइनस को कॉमन लेने से रिजल्ट हमारा बन जाएगा ये 18 आई कैप, ठीक है बेटा, माइनस के 18 आई कैप, माइनस को कॉमन लेंगे माइनस के 18 आई कैप, माइनस के 13 जे कैप, और ये बन जाएगा हमारा प्लस 2 के कैप। तो करेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास में ये, और मैच कर रहा है ये। तो बेटा यहाँ डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ करेक्ट होने वाला है हमारे पास में डी ऑप्शन। उम्मीद है कि आप लोग बात को समझ गए होंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम है बच्चों हमारे पास में जो हमें सॉल्व करनी है। जैसे आप ये देखो कि 14 प्रॉब्लम हमारे पास में आ गई, ये प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है, कई बार एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। हमें कह रखा है कि भाई ये वैल्यू इसके बराबर है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो पहले आप देखो कि हमें वैल्यू बतानी किसकी है, हमें वैल्यू बतानी है इसकी बेटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट, ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ है हमारे पास में कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अगर किसी तरीके से ये थीटा हमें पता चल जाए तो हमारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए, क्योंकि मॉड ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ये वैल्यू। अगर किसी तरीके से ये थीटा हमें मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए, कोई समस्या ही ना हम लोगों को रहे बेटा। अब ये थीटा हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें गिवन दे रखा है ये मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो बेटा, ए क्रॉस बी को, ये जो मॉड ए क्रॉस बी है ना, इसे हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा अंडर रूट थ्री, और इसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका ध्यान रखिएगा बच्चों। मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब आप देखो, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, कॉस थीटा को लेकर आ जाओ इसके अपॉन में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आ गई है अंडर रूट थ्री, और थीटा हमारे पास में बन गया है 60 डिग्री। टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, और थीटा हमारे पास में बन गया है 60 डिग्री। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब यहाँ ये जो थीटा आप लोगों को दिख रहा है, इस थीटा की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री। पुट किया 60 डिग्री, कॉस 60 की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर बन चुका है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये जो पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है ना स्टूडेंट, इस अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है बच्चों। ऐसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ऐसे हम लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। अब ऐसे सवाल मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ बच्चों, बस फर्क इतना है कि वहाँ मैंने आप लोगों को अपने आप से प्रॉब्लम कराई थी, यहाँ आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो मैं आपको सफिशियंट क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए थी उससे कई गुना जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ बेटा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास में, फोर्स हमें इतना दे रखा है, आर हमें इतना दे रखा है, हमें निकालना है टॉर्क, हमें निकालना है टॉर्क, ठीक है। अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख दूँ ना बच्चों, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ तो मेरा मानना यह है कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला है बच्चों आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। लो बेटा, ये है टॉर्क का फॉर्मूला हमारा, आर आपको ये दे रखा है, एफ आपको ये दे रखा है। ये आप यहाँ नहीं सीखेंगे, ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है हमारा वो ऐसा है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क, इसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क,
और इसके सिंबॉल का नाम है बेटा टाउ। ये जो सिंबॉल है ना, इस सिंबॉल का नाम है टाउ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वैल्यू? डिटरमिनेंट मेथड सेट करेंगे। किया डिटरमिनेंट मेथड सेट, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। पहले क्या है आर, आर ये रहा हमारे पास में 731, 731। फिर क्या है एफ, -315। लो बेटा, इसके आगे मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं परेशानी होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना और चारों ऑप्शन में से अपने ऑप्शन को मैच कर लेना, करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम बनानी है बच्चों, ठीक है? ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोगों को कुछ नोट करना है तो, देन हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारे पास में, ये बहुत ईजी है भाई। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, आपको दे रखा है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होने वाला है आपको ये बताना है। तो भाई ए क्रॉस बी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, अभी तो बताया था मैंने आपको। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, कॉस थीटा चला जाएगा इसके अपॉन में, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है टेन थीटा के इक्वल, और टेन थीटा जब 1 के इक्वल होता है, पता होना चाहिए सभी लोगों को, जब टेन थीटा 1 के इक्वल होता है तब एंगल होता है बेटा हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ एंगल निकल जाएगा 45 डिग्री। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 45 डिग्री। ए और बी के बीच का जो एंगल हमारा रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा। दैट्स ऑल, ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वेरी इजी, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं बच्चों, ठीक है? आपके सामने है, देखो कितना आसानी से हम प्रॉब्लम बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक वेक्टर हमें दिया गया है पी, ओके, और एक वेक्टर हमें दिया गया है क्यू, ठीक है? और ये कहा है कि दोनों वेक्टर हैं परपेंडिकुलर, पी और क्यू परपेंडिकुलर हैं, पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर। अब जैसे ही परपेंडिकुलर की कहानी तुम्हारे सामने आए, खटैक से दिमाग में आना चाहिए कि यार दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, डॉट प्रोडक्ट, वो जीरो होगा। तो अगर P और Q यहाँ परपेंडिकुलर हैं तो हम एकदम से कहेंगे भैया कि P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। P और Q एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, P डॉट Q इक्वल टू जीरो, P डॉट Q इक्वल टू जीरो। अब आप ये बताइए, I के सामने क्या लिखा है? A, और यहाँ I के सामने क्या लिखा है? A, A की मल्टीप्लाई A में करेंगे तो ये बन गया A स्क्वायर। J के सामने क्या लिखा है? A, यहाँ लिखा है -2, तो ये बन गया माइनस के 2A, ठीक है? यहाँ क्या लिखा है? 3, यहाँ लिखा है -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -3 और इज इक्वल टू 0। लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट करने से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है हमें सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, ठीक है बेटा, a माइनस 3 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस के 3a प्लस के a माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो भाई हमारे पास में जो सिचुएशन बनेगी बेटा, एक तो बनेगी a प्लस 1, a बनेगी a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू एक तो निकल कर आएगी माइनस 1 और एक निकल कर आएगी प्लस 3। हमारी a की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, एक आएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ए की हमारे पास में दो वैल्यू निकल कर आएंगी बेटा, एक निकल कर आएगी -1 और एक निकल कर आएगी हमारे पास में +3। अब आप जानते हो कि भाई -1 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू उसने हमसे पूछी है, तो -1 करेक्ट आंसर हमारा नहीं होगा, -1 करेक्ट आंसर हमारा नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3,
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा। सो करेक्ट आंसर इज 3, ये 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी बात आप लोगों को, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में कंडीशन, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 18 हम लोगों को क्या दे रखी है, मतलब फिर मैं वही बात कहूंगा कि आपको अभी फॉर्मूला नहीं पता है। फॉर्मूला इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये सारी चीजें आगे चैप्टर में आने वाली है। एक चैप्टर में सभी चीजें आप लोगों को बताना इम्पॉसिबल काम है, और फॉर्मूला नहीं पता है तो इसलिए क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख दूं तो फिर आप एकदम से प्रॉब्लम बना देंगे बेटा। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने। फॉर्मूला ये है, वर्क इज इक्वल टू, देखो वर्क डन निकालना है आपको, निकालना है ना वर्क डन। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट आर टू माइनस के आर वन। लो बेटा, ऐसे निकलेगा आप लोगों का वर्क, एफ डॉट आर टू माइनस के आर वन। यानी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एफ तो आपके पास में है बेटा, ये रहा एफ आपके पास में, ये आपके पास में एफ है, ठीक है, ये है आपके पास में आर वन, समझ रहे हो, और ये है आपके पास में आर टू। तो पहले आपको आर टू माइनस के आर वन निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं, आर टू माइनस आर वन कितना आएगा, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर कितना आएगा, ये R2 है, ये R1 है, R2 में से R1 को माइनस कर दो, 14i में से 3i को माइनस करेंगे तो ये आएगा 11i, 13j में से 2j को माइनस करेंगे तो ये आएगा 11j, 9k में से माइनस करेंगे माइनस के 6k को, ये आएगा हमारे पास में 15k, ठीक है। i में से i को माइनस किया, j में से j को माइनस किया, k में से k को माइनस किया, ये निकल गया हमारे पास में R2 माइनस R1, और ये है हमारे पास में F, और वर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास में बेटा वो है F डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमारे पास में वर्क का फॉर्मूला है बेटा। अब कैसे निकालेंगे वर्क, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ देखो I के सामने क्या लिखा हुआ है, 4, फोर्स में I के सामने 4 लिखा हुआ है, और R2 माइनस वन में क्या लिखा हुआ है, 11, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 44, प्लस यहाँ J के सामने क्या लिखा हुआ है, 11, यहाँ J के सामने लिखा हुआ है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है 15, यहाँ लिखा हुआ है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 100 जूल, ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 जूल। यानी पहले हमने R2 माइनस R1 निकाल दिया, और R2 माइनस R1 निकाल कर हमने उसे F के साथ निकाल दिया है डॉट, हमने उसका फोर्स के साथ निकाल दिया है डॉट, और डॉट निकालने के बाद में ये बन गया है हमारे सामने आंसर, और आंसर है बेटा 100 जूल। होप सो कि आप लोगों को बात समझ में आई हो कि मैंने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट की क्लियरिटी आप लोगों को होनी चाहिए कि कैसे वेक्टर के कंसेप्ट्स को आप लोगों को लगाना है। देखो बेटा, अब जैसे हमारे पास में ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, भाई क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, द थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर हमारे पास में ये है, बी वेक्टर हमारे पास में ये है, और सी वेक्टर हमारे पास में ये है, ठीक है। ये जो तीन वेक्टर हैं ये किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए ट्राइंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये वी दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये सी तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें ट्राइंगल की पहचान करनी है ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों की साइड निकालनी पड़ेगी, हमें इन तीनों की साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी।
यानी हमें निकालना पड़ेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर तो है हमारे पास में, हमने मॉड ए निकाल दिया। देखो मॉड ए कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1, तो ये आ गया भाई हमारे पास में अंडर रूट 15। मॉड ए निकल चुका है हमारे पास में अंडर रूट 15। अब आते हैं बेटा हम लोग आगे, ठीक है। हम निकालते हैं इस बार मॉड बी, देखते हैं कि मॉड बी कितना आएगा निकल कर, ठीक है। मॉड बी कितना आएगा निकल कर, यहाँ है 1 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 5 स्क्वायर 25, तो ये हो गया हमारे पास में 35। अब हम निकालते हैं बेटा मॉड सी, मॉड सी यानी ये 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में, देखो ध्यान से, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 और 1 5 और ये आ जाएगा हमारे पास में 21। ये आ चुका है स्टूडेंट हमारे पास में 21, ठीक है। मॉड ए आ चुका है हमारे पास में अंडर रूट 15, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, बहुत आसान बात है। ये हमने यहाँ शायद कुछ गलती कर दी है, ये 14 आएगा बेटा, ये 14 आएगा, 14 अंडर रूट 14, कैसे, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 और ये 1 14 आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है मॉड ए है अंडर रूट 14, मॉड बी है इतना, मॉड सी है इतना, यानी हम ऐसा कंसेप्ट लगा सकते हैं कि मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। लग रहा है नहीं लग रहा है, मॉड बी का स्क्वायर करोगे यानी अंडर रूट 35 का स्क्वायर करोगे तो 35 यहाँ जाएगा, 21 + 14 इज इक्वल टू 35, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस कंडीशन का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बी काम कर रहा है हाइपोटेन्यूस का, ए काम कर रहा है परपेंडिकुलर का या बेस का, और सी भी परपेंडिकुलर या बेस का काम कर रहा है, यानी हमारे सामने एक ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, ये कहलाएगा बी, ये कहलाएगा ए, ये कहलाएगा सी और ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, और इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा हमारे पास में सी यहाँ पर। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें 3 वेक्टर गिवन दिए गए थे, पहले हमने तीनों वेक्टर की लंबाई को निकाल दी तीनों वेक्टर की लंबाई। अगर तीनों की लंबाई सेम आ जाती तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर कोई दो सेम आ जाती तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर ये राइट एंगल्ड को वेरीफाई कर रहा है यानी पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है तो ये है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी इसकी सारी कंडीशन राइट एंगल्ड ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, वेरी नाइस। तो बेटा 19 प्रॉब्लम तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अब आ जाते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे पास में नेक्स्ट। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है भाई हमारे पास में वो है प्रॉब्लम नंबर 20। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 20 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 20 में हमें दो फोर्स दे रखे हैं, ये है F1 और ये है F2। एक्ट ऑन ए सिंगल पॉइंट, यानी दोनों सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल बताना है हम लोगों को कितना होगा। देखो बेटा कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक पॉइंट हमें दे रखा है, इधर काम कर रहा है F1 वेक्टर और इधर काम कर रहा है F2 वेक्टर, और हमें निकालना है इनके बीच का एंगल। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए मैंने दो मेथड आप लोगों को बताए। मैंने डॉट प्रोडक्ट भी आपको बताया कि भाई कैसे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, और मैंने आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया स्टूडेंट कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकाल सकते हैं। दो मेथड हमने आपको बताए हैं, अब दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर देते हैं। देखो भाई एंगल निकालने के लिए मैंने यूज़ किया कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा F1 डॉट F2 डिवाइडेड बाय मॉड F1 और मॉड F2, ठीक है बेटा। मैं डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड का यूज कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड का यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि F1 डॉट F2 कितना आने वाला है,
एफ वन डॉट एफ टू कितना आने वाला है? देखो स्टूडेंट, यहाँ आई के सामने है 5 और यहाँ है 10, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 50। यहाँ है 10 और यहाँ है 5, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 50। समझ आ रही बेटा बात? ओके, इसके बाद हमारे पास में यहाँ है के सामने माइनस 20 और यहाँ है हमारे पास में 15, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में प्लस 300। तो एफ वन डॉट एफ टू आ चुका है हमारे पास में 300। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी कैसे हमने एफ वन डॉट एफ टू निकाला। अब हम लोग निकालते हैं मॉड एफ वन की वैल्यू। भाई मॉड एफ वन कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। 400 और 100 कितना हो गया? 500 और 25, यानी 525। ओके, अब हम निकालते हैं मॉड एफ टू की वैल्यू। देखो भाई मॉड एफ टू कितना आने वाला है हमारे पास में? 10 स्क्वायर हो गया है 100। 15 स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर हो गया है 225। 225 और 100, 325। ठीक है बेटा, और 5 का स्क्वायर 25, यानी ये हो गया है हमारे पास में 350। इसका मॉड आ गया है हमारे पास में इतना और इसका मॉड आ गया है इतना। इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ रखेंगे बेटा। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ वन डॉट एफ टू हो गया 300, यहाँ है हमारे पास में 525 और यहाँ है हमारे पास में 350। बच्चों ये है हमारे पास में 350। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है तरीके के साथ, ढंग के साथ। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोगों को बनेगा। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या आंसर निकल कर आएगा। भाई ये 300 है, ये 350 है, ये 525 है, एलसीएम वगैरह हमें यहाँ लेना पड़ेगा। 300, 525 को हम क्या लिख सकते हैं? दिख रहा है आपको 525? इस 525 को हमने क्या लिखा, देखो जरा ध्यान से। फाइव टू फाइव को ब्रेक करके हम लोग लिख देंगे 525 को ब्रेक करके पूरा निकालना ही पड़ेगा बेटा, मतलब पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। नीचे ही कर देता हूँ सॉल्व। 300, ठीक है, 525। एक काम करो, इसका अंडर रूट करके यहां लिख दो जितना भी आने वाला है, ठीक है, और इसका अंडर रूट करो और यहां लिख दो जितना भी आने वाला है, जितना भी आने वाला है। मान लो इसका अंडर रूट करके x आ गया और इसका अंडर रूट करके आ गया y, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे आगे और फिर आगे निकालेंगे आप आंसर। cos थीटा इज इक्वल टू 300, इसका अंडर रूट मैंने लिख दिया है x यहां पर, ठीक है, समझ में आ रही बात, और इसका अंडर रूट मैंने लिख दिया है y यहां पर बेटा। इसका अंडर रूट हो गया है x, 18 के आसपास आएगा, 18 क्या, इसका अंडर रूट लगभग आपका ऐसा आएगा 23 के आसपास, ठीक है, 23 के आसपास इसका अंडर रूट आएगा आपके पास में, और इसका अंडर रूट आएगा आप लोगों का लगभग 18 के आसपास। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, और फिर उससे आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आएगा बेटा, ठीक है। इसका अंडर रूट आएगा आपका 23 के आसपास, 23 के आसपास, ठीक है, और इसका अंडर रूट आएगा आपका 18 के आसपास, तो उससे आप आंसर देखेंगे क्या निकल कर आएगा। परफेक्ट आंसर नहीं निकलने वाला, इनमें से कोई नियर बाय आंसर निकलेगा। देखो उसने भी पूछा है नियरली बताना है कितना होगा, नियरली किसके इक्वल होगा, तो देखना कितना निकल कर आएगा। अगर आंसर आता है 1 के 0 के आसपास तो 90 डिग्री हो जाएगा,
और अगर बड़ी वैल्यू आती है 1 के आसपास, वैसे मेरे हिसाब से 30 डिग्री के आसपास आंसर आएगा इसे, यानी इसे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो 1 के नज़दीक आएगी, कहीं पर 1 के नज़दीक आएगी बेटा। और 1 के नज़दीक आने का मतलब है कि 30 डिग्री का आंसर होगा हमारे पास में, या 1/2 के नज़दीक आएगी, 1 के नज़दीक आएगी या 1/2 के नज़दीक आएगी, 1 के नज़दीक आएगी तो 30 डिग्री का आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करना है और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास में, विद रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 वेक्टर आर एक्सप्रेस्ड एज, ए हमें दे रखा है ये, बी हमें दे रखा है ये, और सी हमें दे रखा है सिर्फ इतना। ठीक है, वेयर आई जेड के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड रेस्पेक्टिवली, द यूनिट वेक्टर आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर। बहुत आसान, देखो उसने क्या कहा, पहले ध्यान से देखो उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है कि एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इन तीनों के सम के अलोंग हो, इन तीनों के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो पहले आप एक सिंपल वेक्टर निकालो इन तीनों के सम के अलोंग, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का सम कर दिया बेटा हम लोगों ने, क्योंकि उसने कह रखा है कि यूनिट वेक्टर बताना है इन तीनों के सम के अलोंग, तो तीनों को जोड़ दो, ये 4i, ये माइनस के 3i, यहाँ बन गया i, ठीक है, ये माइनस के j, ये प्लस के 2j, यहाँ बन गया हमारे पास में j और यहाँ है हमारे पास में माइनस k। लो बेटा इन तीनों को जोड़कर ये आंसर बन गया हमारा। अब हमें इसे बनाना है यूनिट वेक्टर, कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉड निकालेंगे हम लोग, इसका मॉड हमारे पास में आएगा √3। यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका है r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड r, तो ऊपर है हमारे पास में i प्लस j माइनस k और डिवाइडेड बाय है √3। तो बेटा करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास में 1/√3 i प्लस j माइनस k, ये होगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यूनिट देखो बड़ा आसान क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था, कोई मुश्किल सवाल उसने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा, उसने हमसे कहा कि भाई यूनिट वेक्टर बताओ जो इसके अलोंग हो, यूनिट वेक्टर जो इसके अलोंग हो, यार बहुत ही आसान है, पहले हमने तीनों को उठाकर जोड़ दिया, हमने तीनों को उठाकर जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आया उसी के मॉड से डिवाइड कर दिया, तो हमारा इन तीनों के सम के अलोंग ये निकल गया है यूनिट वेक्टर। ऐसे हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इन तीनों के सम के अलोंग। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को बात समझ में आ गई हो, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीजें तो अभी हमने नहीं पढ़ी है तो हमें नहीं करना है ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, देखो बेटा अब जैसे हमारे पास में है प्रॉब्लम नंबर 24, आप देखें ध्यान से प्रॉब्लम नंबर 24 क्या है हमारे पास में। भाई प्रॉब्लम नंबर 24 में हमें ये कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। भाई याद करो बच्चों, ए क्रॉस बी 0 कब होता है, ए क्रॉस बी 0 तब होता है तब क्या, तो वो एक दूसरे के होने चाहिए पैरेलल, यानी एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाए। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे या एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो। दे आर एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, नो। 30 डिग्री, नो। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यस। ठीक है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना बेटा वो 0 के इक्वल रहता है। तो बहुत आसान, तो उसने कह रखा है कि ए क्रॉस बी 0 कब होगा, हम कहेंगे भाई जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, क्या तो एक दूसरे की डायरेक्शन में हो या एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब उनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए भैया अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, आप ध्यान से देखिएगा,
कई सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। हमें एक वेक्टर दे रखा है ये, और दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है ये, दो वेक्टर हैं हमारे पास में। उसने कहा कि द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, उसने कहा कि ए के परपेंडिकुलर भी हो, ऐसा वेक्टर बताना है जो यूनिट हो और ए के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो ए क्रॉस बी होता है ना बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये जो ए क्रॉस बी है ये बी के भी परपेंडिकुलर होता है। जिन बच्चों को ये बात याद है ना, ये समझ लो कि आधा वेक्टर आ गया उनसे, कि ये जो ए क्रॉस बी है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और ये बी के भी परपेंडिकुलर है। तब उसने कह रखा है कि भाई ऐसा वेक्टर बताओ जो ए के परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर हो। यानी हमें निकालना है, पहले निकालना है ए क्रॉस बी, और फिर उसका निकालना है यूनिट वेक्टर आई जे के। आई के सामने टू, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन। देखो क्या आंसर निकल कर आएगा बेटा, फटाफट करते हैं जरा क्या आंसर निकल कर आएगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास में आई कैप, ये फिनिश और ये फिनिश, इसके मल्टीप्लाई यहाँ और इसके मल्टीप्लाई यहाँ, ये आ जाएगा जीरो। फिर आएगा माइनस के जे कैप, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ आएगा वन प्लस के कैप। ठीक है बेटा, ये फिनिश और ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ भी आएगा वन। तो स्टूडेंट हमारे पास में ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ गई है ना बेटा, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास में माइनस के जे कैप प्लस के कैप। ये तो वो वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ये वो वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। अभी तो हमें यूनिट वेक्टर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल देंगे। भाई इसका मॉड आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, इसका मॉड देखो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, टू। इसको उठाकर इससे डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में वो आएगी वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस के जे कैप प्लस के कैप। ये आंसर निकल कर आएगा बेटा हमारे पास में वन अपॉन अंडर रूट टू, सॉरी, वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस के जे कैप प्लस के कैप। ये आंसर बेटा हमारे पास में निकल कर आएगा। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे से, और आप अपना करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में, प्रॉब्लम नंबर 26। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए का मतलब है ए की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है क्या होगा, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। अरे बहुत ही आसान है, ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, अगर ए की, खाली ए की डायरेक्शन में बताना है तो ए का मॉड निकालो और उसके वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, अगर खाली आपको ए की डायरेक्शन में बताना है, भाई ए वेक्टर है हमारे पास में ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताने का मतलब है कि a कैप निकालना है आपको, ये हो जाएगा a कैप डिवाइडेड बाय मॉड a। ठीक है बेटा, a कैप हो गया है हमारे पास में ये 2i प्लस j प्लस k, और इसका मॉड हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 6। ये करेक्ट आंसर होगा कि ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होने वाला है वो इतना होने वाला है। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास में 27। 27 में हमें क्या कहा है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। सबसे पहले देखो कि बी के परपेंडिकुलर कौन होगा, बी के परपेंडिकुलर ये होगा, अभी मैंने आपके सामने निकाला था माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो ये बी के भी परपेंडिकुलर है, और इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो इसके मॉड से इसे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा माइनस के जे प्लस के। बेटा मॉड कितना आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, अंडर रूट टू। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा बी के परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई बात, बी के परपेंडिकुलर ये होगा बेटा हमारा यूनिट वेक्टर। ऐसे हम क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं, ये हमारी टेक्निक होने वाली है प्रॉब्लम्स को बनाने को लेकर। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ।
बेटा आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ भी आया होगा। ठीक है, अब ये डीपीपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगा, आप लोग इस डीपीपी को सॉल्व ज़रूर करें। 29 ही प्रॉब्लम है इसके अंदर और मोस्टली प्रॉब्लम मैं आपको करा चुका हूँ। इतना याद रखिएगा कि 13 के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 13 के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 13 से पहले जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है कंसेप्ट आप लोगों को। जब वो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा तो वो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। 13 या 13 के बाद की प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करनी है बेटा। ठीक है, चलिए इस पूरी डीपीपी को आप ट्राई करेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात भैया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से ऑफलाइन क्लास में मिलने को लेकर। आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है और जो बच्चे हमारे पास में अभी रुड़की के क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अदर सिटीज़ से पढ़ रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो वैसे ही ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई कोटा से है, कोई दिल्ली से है, जो बच्चे कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर से हैं, शामली से हैं, वो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहेंगे। लेकिन जो बच्चे मेरी लोकेलिटी से हैं यानी रुड़की के आसपास के क्षेत्र से हैं और इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं भैया, वो कृपया करके ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास ही की बात ही कुछ और है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊंगा। हमने 2 टाइमिंग रखी है बेटा आप लोगों के लिए, एक है बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट के लिए, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट होगा, टाइमिंग रहेगी 2 to 3, 2 से 3 दोपहर में, 2 से 3। ठीक है, और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास में पढ़ रहे हैं चाहे वो किसी भी चैप्टर पर क्यों ना हो, उनकी टाइमिंग होगी शाम को 5 to 6 PM उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑलरेडी हमारे पास में पढ़ रहे हैं, जो हमारी लोकेलिटी से है। बाहर के बच्चे वे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही ऑनलाइन पढ़ते रहें। ठीक है, और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइमिंग होगी 2 to 3। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।